अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शुएब है और ये कंप्लीट डायनामिक के ट्यूटोरियल के हवाले से तीसरी वीडियो है। इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे। डायरेक्ट हम सर्च में जाते हैं। हमने सॉफ्टवेयर में पहले जितनी अभी तक चीज़ें देखी वो ये देखा कि रेपर्टरी से सर्च कैसे करते हैं, उसके डिफरेंट चीज़ें देखी, वो आपको पहली वीडियोज में मिल जाएंगी। अब हम ये देखेंगे कि मटीरिया मेडिका से सर्च कैसे करते हैं। मटीरिया मेडिका से सर्च करना है तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये मटीरिया मेडिका के एक बार ओपन हो जाती है। इससे पहले मैं आपको रेपर्टरी की और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि आपको बताऊँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, जिस तरह ये हम रेमेडीज़ है कोई भी फॉस्फोरस ही मेडिसिन। अब ये फॉस्फोरस की 2025-50 रूब्रिक्स है टोटल पूरी रेपर्टरी में। हम ये चाह रहे हैं कि फास्फोरस की सिंगल लाइन रूब्रिक कौन कौन सी है वो सर्च करें। तो मैक्सिमम रूब्रिक साइज इस पे 1 क्लिक करते हैं, यानी मैक्सिमम रूब्रिक का साइज वो जिसमें मैक्सिमम रेमेडीज एक हो। ऊपर हमने रेमेडी मेंशन कर दी, यानी हमने क्लोज कर दिया सिंगल लाइन और आगे से फास्फोरस, वो पूरी रेपर्टरी में जितनी भी सिंगल लाइन रूब्रिक्स है वो आ गई। ऐसा भी कर सकते हैं कि अब ये देखें कि फर्स्ट ग्रेड भी इसमें है, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, डिफरेंट ग्रेड्स के अकॉर्डिंग। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका ग्रेड भी चेंज कर सकते हैं कि सेकंड ग्रेड की रूब्रिक्स या उससे ऊपर ऊपर, फिर थर्ड, फिर इसी तरह फोर्थ ग्रेड, यानी फोर्थ ग्रेड की सिंगल लाइन रूब्रिक हम देख रहे हैं फॉस्फोरस की। तो ये इस तरह से इसको भी सर्च किया जा सकता है। एक और ऑप्शन भी है सिंगल लाइन रूब्रिक को सर्च करने की, वो हम आगे देखते हैं। अब हम जाते हैं डायरेक्ट मटीरिया मेडिका की सर्च में। मटीरिया मेडिका की सर्च में भी हम नंबर वन पे तो ये टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं, जिस तरह हम रेपर्टरी में रूब्रिक सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी, वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी कर दें, या डायरिया मॉर्निंग। अब डायरिया मॉर्निंग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस सॉफ्टवेयर की अच्छी चीज़ ये है कि आपको पूरे स्पेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी लिखेंगे ना तो वो बाकी खुद ही पिक कर लेता है। जिस तरह डायरिया मॉर्निंग हमने सर्च किया मटीरिया मेडिका में, अभी ये जनरल सर्च है, यानी एक ये रूब्रिक है, उसने कहा 903 जगह पे मटीरिया मेडिका में ये वर्ड है, डिफरेंट रेमेडीज में, डिफरेंट ऑथर्स में। जिस तरह ये हियरिंग आइडिंग सिम्टम में पहले एसिटिकेसड है, फिर अगेरिकस है, फिर ये सारी चीज़ें। अब हम इसी ये जो रूब्रिक है इसको हम डिफरेंट रेमेडीज में भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि ये नेट्रम सल्फ में बड़ा कॉमन है तो वो हमें मिले, नेट्रम तो ये नेट्रम सल्फ में, एलन की नोट में, एलन इंसाइक्लोपीडिया में वो कहाँ कहाँ पे है हम सारी चीजें देख लेते हैं। अब हम यहाँ से डायरेक्ट मटीरिया मेडिका पढ़ भी सकते हैं। एलन की नोट्स पर डबल क्लिक किया, उसने ये देखे कि उनका डायरिया थिन येलो एग्रावेशन मॉर्निंग, और फिर डायरिया, फिर वो सारी चीज़ें इसकी आ गई। अब फिर हम दोबारा फाइंड के ऑप्शन में, क्योंकि फाइंड में जा रहे थे, हम रेमेडी सर्च कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रेमेडीज ऐड कर सकते हैं जिस तरह हम पहले कर सकते थे, यानी इसमें सल्फर ऐड भी कर सकते हैं या कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सल्फर, अकेली सल्फर, नेट्रम सल्फ भी, सल्फर भी, तो वो सारी चीज़ें आ गई। अब ये इसको मैं ख़त्म करता हूँ। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे बुक सेलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ हम पढ़ना चाह रहे हैं फाटक में, ये कहाँ फाटक को सिलेक्ट किया, यानी ऑथर वाइज भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने फाटक को सिलेक्ट किया, ये देखा कि डायरिया मॉर्निंग कहाँ कहाँ पे है, तो उसने जिस जिस मेडिसिन में फाटक ने ये लिखा है वहाँ से आ गया, समझ आ गई। क्योंकि बाज़ ऐसा होता है आपने कोई बुक पढ़ी होती है, आप कहते हैं कि मैंने फलां बुक में ये चीज़ पढ़ी थी,
अब मुझे वो मिल नहीं गई ना, तो आप यहां से सर्च कर सकते हैं इसको। अब मटीरियल मेडिकल में हम और जिस तरह से हाइड्रोसीफेलस, अब डिजीज का नाम भी लिख सकते हैं कि डिजीज का नाम लिखा और देखा कि किस किस मेडिसिन में पाई जाती है। जिस तरह ये देखे एपस मेलिफिका में क्लिनिकली हाइड्रोसीफेलस क्लार्क की डिक्शनरी में है, हम उस तरह भी चीजों को देख सकते हैं। फिर इसके अलावा अब ये सारा था इसका फाइंड का ऑप्शन ना, मटीरिया मेडिका से, यानी हम फाइंड में जाके सर्च में मटीरिया मेडिका में सर्च भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक है ये मटीरिया मेडिका हमारे पास ओपन हो गया, यहाँ से हम मटीरिया मेडिका पढ़ भी सकते हैं कि हमने कोई भी मेडिसिन यहाँ से सिलेक्ट की, उसी तरह एबस नाइग्रा सिलेक्ट की, तो एबस नाइग्रा में यहाँ पे हमने उसकी रेपर्टरी पे क्लिक करेंगे तो सारी रेपर्टरी की रूब्रिक्स आ जाएंगी जिस तरह हमने पहले देखा। इसको रेपर्टरी एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। एक और थोड़ा सा रोक के आपको बड़े मजे की चीज बताऊं, ये प्लस माइनस बाज को ऐसा होता है कि ये सारी सारी रूब्रिक्स यहाँ से शो नहीं हो रही होती, तो प्लस करते हैं तो रूब्रिक्स थोड़ी ज्यादा होने शुरू हो जाती है, जिस तरह माइंड मैप थोड़ी ज्यादा हो गई, फिर और ज्यादा हो गई, मैक्सिमम हो गई, अब यहाँ पे फ्रीज हो गया। अब मटीरिया मेडिका, हमने मटीरिया मेडिका को उसमें चले गए, बार में मटीरिया मेडिका सर्च किया, एलन ने क्या कहा इसके बारे में, बोरिक ने क्या कहा वो पढ़ सकते हैं, क्लार्क ने, कूपर ने, फिर फ्रिंगटन ने, फिर हीरिंग ने, फिर हम इस तरह से पढ़ सकते हैं नैश में, फाटक में, ये भी इसकी एक अच्छी ऑप्शन है। अब यहाँ से हम एक और भी काम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम प्रेपरेटरी में गए, जो मैंने देखा था ना सिंगल लाइन रूब्रिक, यहाँ से ये रूब्रिक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिक रूब्रिक्स। यूनिक रूब्रिक कहते हैं जो सिंगल लाइन रूब्रिक्स हों किसी भी मेडिसिन की, वो भी देख सकते हैं। फिर उसके अलावा कंप्लीट है, रेड लाइन सिम्टम्स है, वो भी देख सकते हैं, ये डिफरेंट उसकी चीजें हैं सर्च की। हम एक और ट्राई करते हैं कोई और रेमेडी का, फॉर एग्जांपल कोका, ये कोका मेडिसिन है, हम उसकी रेपर्टरी की जितनी रूब्रिक्स हैं वो देख रहे हैं। लेफ्ट साइड पे ये जो हमारे लेफ्ट साइड पे, हम यहाँ से देख सकते हैं कि क्या सर्च यानी किस चैप्टर में जाना है, अगर रेपर्टरी में जाना है या किस बुक में जाना है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे कंप्लीट डायनामिक में हमारी जितनी लाइब्रेरी है वो पड़ी है, और राइट साइड पे हम उसको देख रहे होते हैं। अब कोका देखी तो ये सारी उसकी मेडिसिन आ गई, उसने कहा कि ये जो +13 है इसका मतलब है कि ये प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड बिजनेस प्रॉम, ये कोका एक मेडिसिन है और ये उसका ग्रेड है, और ये +13 यानी 13 मेडिसिन और भी कवर कर रही है, 176 मेडिसिन है, 17 मेडिसिन है, ये 22 मेडिसिन है। इस तरह हम और भी चीज़ों को कर सकते हैं, कोका पढ़ सकते हैं, एलन से चीज़ों मुख्तलिफ। तो ये एक उसका छोटा सा ट्यूटोरियल था जो चीज़ें मैंने चाहा कि हम आपको बताएं। एक आखिरी हम छोटी सी और चीज़ इसमें देख लेते हैं कि जिस तरह हमने देखा कि मटीरियल, मैं आपको ग्रेडिंग का बता दूं, ये ग्रेडिंग है, ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये इस पे लिखा हुआ है, ग्रेड 4 है, ये ग्रेड 3 है, ये ग्रेड 2, ये ग्रेड 1, इस पे अगर हम कर्सर रखें तो ये ऑटो बताता होता है, तो बता नहीं, ये ग्रेड 4, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1। ग्रेडिंग का ये मतलब होता है, ग्रेड 4 का ये मतलब है कि जब हमने प्रूविंग की तो मैक्सिमम जितने नंबर ऑफ जो हमारे प्रूवर्स थे उन्होंने बताया कि ये सिम्टम हमने उनमें पाई जाती है, एक तो ये। दूसरा पैरामीटर ये होता है कि दूसरा पैरामीटर ये होता है क्लिनिकली बाज़ जब वेरीफाई होती है तो सिम्टम ग्रेड 4 में जाना शुरू हो जाती है। ग्रेड 3 में ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा मतलब 80% 90% लोगों ने एक बात कही वो ग्रेड 4 में चलेगी, जो 60% लोगों ने की, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, वो उसके अपना पूरा मेथड है, वो ग्रेड 3 में चली गई, जो को 20-30% लोगों ने की वो ग्रेड 2 में चली गई, जो बस 5-10% लोगों ने की वो हमने ग्रेड 1 में की। ये जब हम केस को रेपर्टराइज कर रहे होते हैं ये अक्सर हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है।
तो ये जो हमने मटेरिया मेडिका सर्च की, ये कोका, अब इसका ये ग्रेड है, ये थर्ड ग्रेड की रेमडी है। जहाँ से ये एनालिसिस में देखें, ये इसका ग्रेड थर्ड है, यानी इन्होंने कलर से मैं बताया हुआ। यहाँ से हमने इनको क्लियर किया। ये अभी तक हमने ये इसकी डिफरेंट सर्च पॉसिबिलिटीज देखी, मटेरिया मेडिकल से कैसे सर्च कर सकते हैं, रेपर्टरी कैसे सर्च कर सकते हैं, रेपर्टरीज में रूब्रिक से, मेडिसिन से, वो हमने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देखी। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में हम ये करेंगे कि केस को एनालाइज कैसे करें, डिफरेंट इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और इसके अलावा फिर केस को रिकॉर्ड कैसे करें, यानी रिकॉर्ड हमारे पास होना बड़ा ज़रूरी है पेशेंट्स का, तो हम उसको सेव कैसे करें उसको हम देखेंगे। तो आइंदा आने वाली कुछ वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बना दूंगा ताकि आप सब लोगों के लिए, यूजर्स के लिए आसानी हो। तो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।